जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रवि और स्वागत है आप सभी का एजुकेशन उपायुक्त यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आईसीजी यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से आपके लिए न्यू वैकेंसी आउट हुई है, तो आइए देखते हैं कि आखिरकार क्या कुछ इस वैकेंसी में, कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि आईसीजी की तरफ से आपके लिए 255 पोस्ट के लिए टोटल जो पोस्ट है वो है 255, तो 255 पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी आउट हुई है। एप्लीकेशन फॉर्म आपका आज से यानी कि 6/2023 से 6 तारीख दूसरा महीने यानी कि 6 फरवरी 2023 से आपके इसके फॉर्म फिल होने जो है स्टार्ट हो चुके हैं। बाकी लास्ट डेट आपकी जो है इसकी 16 तारीख है यानी कि 16 फरवरी 2023। बाकी इस चीज को आप ध्यान रखना, जो ये आपकी टाइमिंग है 5:30 PM यानी कि शाम के 5:30 बजे 16 तारीख को 5:30 बजे तक, शाम के 5:30 बजे तक ही सिर्फ और सिर्फ आप इस फॉर्म को जो है फिल कर सकते हो। तो इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि कई सारे बच्चे सोचते हैं कि 16 तारीख में हम रात में इस फॉर्म को फिल कर लेंगे, रात में साइट अच्छे से चल जाएगी, तो आपको 15 तारीख को ही अपनी सारी प्रोसेस कंप्लीट कर लेनी है। अगर बाई चांस किसी वजह से आप 16 तारीख को भी फॉर्म फिल करते हो, देन शाम के 5:30 से पहले पहले आपको सभी चीजें कंप्लीट कर लेनी है। अगर हम फीस की बात करें तो फीस आपकी जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए आपकी 300 रुपीज आपकी इसके लिए फीस होगी, ठीक है। बाकी जो एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इसमें कोई भी फीस नहीं है, ठीक है। एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए आपकी इसमें 0 फीस है। अगर हम एग्जाम की बात करें कि एग्जाम आपका कब होने वाला है, तो देखिए दोस्तों एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम आपका इसका मार्च के महीने में होगा, और मेरे हिसाब से मार्च के 2nd या 3rd वीक में जो है आपका इसका एग्जाम हो जाएगा मार्च 2023। यानी कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ आप मान के चलो कि एक ही महीना अच्छी तरीके से है तो अपनी तैयारी को करने के लिए, तो आप अपनी तैयारी में अभी से जो है फॉर्म को फिल करने के बाद लग जाइए। तो दोस्तों अगर बात करें हम एज की, तो देखिए जितने भी कैंडिडेट्स 18 से 22 साल के बीच में हैं, जिनकी डीओबी 1/9/2001 से लेकर के 31/8/2005 के बीच की जिनकी डेट ऑफ बर्थ है या इंक्लूडेड दिस डेट्स, ठीक है, जिनकी भी इनके बीच में आपकी डीओबी है वो इस फॉर्म को जो है फिल कर सकते हैं। 18 से 22 साल के बीच में जिनकी भी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 1/9/2001 ये आपकी जो है डेट है, 1/9/2001 से लेकर 31/8/2005 तक के बीच की आपकी जो है इसमें डेट आपकी होनी चाहिए डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। अगर बात करूं तो दो पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जीडी के लिए और डीबी के लिए, ठीक है। जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी, डीबी यानी कि डोमेस्टिक ब्रांच। अब दोनों के लिए एलिजिबिलिटी जो एजुकेशन क्राइटेरिया है, एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो दोनों के लिए अलग अलग है। तो देखिए जीडी जो जनरल ड्यूटी है उसके लिए आपको 10+2 पास आउट होना पड़ेगा इंक्लूडिंग फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स, ठीक है। यानी कि 12th आप पास आउट होने चाहिए, जिसमें कि आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स ये दो सब्जेक्ट होने आपके पास कंपलसरी है, जैसे कि कई सारे लोग आर्ट्स से कर लेते हैं तो, या फिर बायोलॉजी से कर लेते हैं, तो वो इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते। आपके पास 12th में फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना जरूरी है, ठीक है। और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने किया हो 10th और 12th, तो वो आप जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। बाकी पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो 225 पोस्ट आपकी इसमें टोटल है। जीडी के लिए आपकी टोटल जो है 225 पोस्ट है। वहीं पर ही अगर बात करूं मैं डीबी की यानी कि डोमेस्टिक ब्रांच की, तो डोमेस्टिक ब्रांच के लिए केवल और केवल आप 10th पास आउट होने चाहिए। 10th में सभी के पास सेम सब्जेक्ट होते हैं, तो इसलिए 10th आपके पास आउट होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, ठीक है। डीबी की इसमें जो टोटल वैकेंसीज है वो सिर्फ और सिर्फ 30 वैकेंसीज है, ठीक है। यानी कि जीडी की आपकी ज्यादा वैकेंसीज है, 255 वैकेंसीज है। वहीं पर ही बात करूं डीबी की, तो डीबी की आपकी जो है सिर्फ और सिर्फ 30 वैकेंसीज है। अब बात करें अगर हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आपके इस पे रिटर्न एग्जाम होगा, ठीक है, रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद आपका जो है फिजिकल होगा, और उसके बाद आपका जो है मेडिकल होगा, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह इसमें होने वाली है। सिलेबस की बात करूं तो जो जीडी है, जीडी का सिलेबस आपका 12th के बेस पर आएगा, वहीं पर ही डीबी का सिलेबस जो है आपका इसमें 10th के बेस पर जो है रहने वाला है। बाकी अगर आप बोलोगे कि इसकी जो दोनों की जो सिलेबस की है वो डिटेल वीडियो दो, देन मैं इसके लिए आपको डिटेल वीडियो भी दे दूंगा। तो इसके लिए आपको वीडियो के नीचे कमेंट करके मेरे को बताना होगा कि क्या आपको जो जीडी और डीबी के सिलेबस की वीडियो है वो चाहिए या फिर नहीं चाहिए, ठीक है। तो यही था आज की कंप्लीट वीडियो में, हमने बात की है इंडियन कोस्ट गार्ड की, जिसमें कि आपकी 255 पोस्ट
पोस्ट के लिए वैकेंसीज आउट हुई है, तो इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हो अगर आप एलिजिबल हो तो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।